आज की स्टूडियो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा और कुछ ट्रिक ऐसे बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो को क्या बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को यही बताऊंगा, अगर किसी संख्या की पावर कुछ हो और किसी संख्या से डिवाइड करना हो तो शेषफल कितना आएगा, आपको यही बताना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 की पावर 13 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, ठीक है। इसकी टेक्निक यही है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या 4 दिया है और इससे भाग देना, आपको 3 से भाग देना, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो आपसे उसको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई अगर भाग देना क्या, इससे 1 अंक कम है, इससे क्या 1 अंक कम है, इस कंडीशन में हमेशा कितना आपका शेष बचेगा, इस कंडीशन में हमेशा 1 शेष बचेगा, ठीक है। इस कंडीशन में कितना शेष बचेगा, 1 हमेशा शेष बचेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। मैंने आपको यही बताया इसमें यहाँ पे देखिए 4 है, अब इसकी पावर चाहे कुछ भी हो आपसे उसको कुछ लेना देना नहीं है। जिससे भाग देना अगर इससे 1 अंक कम हो, इससे 1 अंक क्या हो, कम हो, अगर आपको इससे भाग देना इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो बी ऑप्शन इसका मैच कर, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन का सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, किससे भाग देना, इससे 1 अंक कम है, इससे क्या है 1 अंक कम है। मैंने क्या बताया आपको, इससे अगर 1 अंक कम है इस कंडीशन में हमेशा कितना शेष बचेगा, 1 हमेशा शेष बचेगा, ठीक है। इसकी चाहे पावर कुछ भी हो आपसे उसको कुछ लेना देना नहीं। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अगर ये क्या पावर इससे 1 अंक ज्यादा हो, यानी अगर ये 17 है, कहने का मतलब अगर इस तरह से हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे 17 की पावर कितना हो गया, 200 हो गया, अब मुझे भाग देना कितने से, 18 से भाग देना, तो कितना शेष बचेगा, अगला क्वेश्चन मेरा इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखिए इस बार क्या दिया, यहाँ से 25 दिया और ये कितना दिया, 26 दिया, यानी इससे क्या 1 अंक अधिक है। अगर मुझे इसमें क्या करना, अगर 24 से भाग देना हो, ठीक है, अगर इसमें क्या करना 24 से भाग दो, आप क्या बताएंगे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन चेंज हो गया, इससे क्या 1 अंक अधिक है, इसके लिए 2 कंडीशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पावर क्या सम हो, अगर पावर सम हो तो हमेशा कितना शेष बचेगा, 1 हमेशा शेष बचेगा, ठीक है। अगर ये पावर विषम हो, ठीक है, अगर ये पावर क्या हो विषम हो, ठीक है, अगर पावर विषम हो तो जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है यही आपका क्या हो जाएगा शेष बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा शेष बचेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, मैंने आपको यही बताया यहाँ पे जो वैल्यू दी गई अगर इससे क्या 1 अंक अधिक हो, इस कंडीशन में अगर भाग देना तो शेष कितना बचेगा, इसकी 2 कंडीशन होती है। अगर पावर सम है तो आपका शेष कितना बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। अगर पावर विषम है तो मैंने क्या बताया ये जो वैल्यू दी गई यही हमेशा क्या होगा शेष बचेगा, ठीक है। इस चीज को मैंने नीचे भी लिखा, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं नीचे आपको दिखा दे, यहाँ मैंने लिखा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे देखिए अगर इसी तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पावर दी गई और उससे क्या 1 अंक ज्यादा है, इससे 1 अंक क्या है ज्यादा है कि नहीं, इसी कंडीशन में आपको दिख रहा है। अब करने के इसमें मैंने क्या लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब पावर सम हो तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, ए का मतलब क्या है, यहाँ से जो वैल्यू दी गई यही हमेशा कितना यही बचेगा, ठीक है। यहाँ से जो दिया यही मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, यही चीज मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक, यही चीज मैंने आपको ऊपर बताया। अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। यहाँ पे 25 की पावर 25 और 26 से भाग देना, ठीक है, पावर विषम है, आप क्या बताएंगे यही आपका क्या हो जाएगा शेष बचेगा, कितना शेषफल बचेगा आपका 25 शेष बचेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है 17, अब इससे क्या 1 अंक अधिक है, अगर इससे 1 अंक अधिक है तो मैंने क्या कंडीशन बताया आपको, पावर चेक करना, अगर पावर सम रहेगी तो शेष कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो यहाँ पे पावर क्या है सम है, आप बताएंगे शेष कितना बचेगा आपका, 1। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, नेक्स्ट टाइप से मेरा ये है, जैसे कि मैं यहाँ से कह दो 2 की पावर कितना हो गया,
31 हो गया, अब मुझे भाग देना कितने, 5 से भाग देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहली कंडीशन बताया और सेकंड कंडीशन बताया, यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं करे। अब तक हमने यही सीखा, इससे क्या एक अंक कम हो या इससे एक अंक अधिक हो, इस तरह से हम लोगों ने सीखा। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट बहुत ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5, 3 का डिफरेंट, ठीक है। अगला टाइप मेरा यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी तरह से। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर आप इसे प्रसार करके फिर 5 से भाग देंगे, इस तरह से आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या, इससे एक अंक अधिक नहीं है और न इससे एक अंक कम है, यहाँ से क्या अंतर बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना, अगर ये पावर क्या हो, विषम हो, अगर ये पावर विषम हो तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पावर क्या करना, 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, यानी 1 या 3 के रूप में आपको बना लेना। अगर ये पावर क्या हो, सम हो, तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, 2 या 4 आप बना लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ बोला मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जो मैंने आपसे बोला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैंने आपसे यही बताया यदि पावर सम हो तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 या 4 बना लेते हैं, ठीक है। यदि पावर क्या विषम हो, मीन्स विषम संख्या हो, तो उसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करते हैं, 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना आपको, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना आपको, पावर क्या विषम है, इसे क्या करिए छोटे रूप में कन्वर्ट कर लिए, ताकि हमको भाग देने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या, 2 की पावर कितना कर लिए, 2 की पावर कितना बना लिए, 1 बना लिए, यहाँ पे विषम है, इससे क्या कर लिए छोटे रूप में कन्वर्ट, 1 या 3 के रूप में बना लेते हैं। अब करने के इससे क्या करना आपको, अगर आप इसे प्रसार करें, यहाँ से कितना 2 ही मिलेगा, इसमें कितने से भाग देना आपको, 5 से भाग, क्या इससे 5 में भाग जाए क्या, इससे 5 में भाग जाए क्या, नहीं जाएगी, अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हैं नो डिवाइड, ठीक है, यानी डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिवाइड नहीं है करना क्या आपको, 3 लेना होगा, क्या करना आपको, 3 लेना होगा। अब यहाँ से 2 की पावर कितना लेंगे आप, 3 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, अगर आप इससे प्रसार करेंगे इसका मान कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 8 में करना क्या आपको, 5 से भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, 5 एक 5 हो गया, कितना शेष बचेगा, 3 आपका यहाँ से शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसमें मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट कर ले, यहाँ पे पावर क्या विषम है, अगर पावर विषम है तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या कर ले, 1 या 3 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर ले, हम लोग क्या कर ले, इसकी पावर कितना कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे, यहाँ से 67 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया, और ये प्लस कितना है, 67। अब करने के इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 7 7 14 हो गया, और 6 6 12 कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसमें करने के आपको इससे भाग देना है, किससे भाग देना है, 68 से भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे 68 एकम 68, इससे क्या करना आपको, भाग देना है, 68 एकम 68 कितना शेष बचेगा, यहाँ से 66 आपका शेष बचेगा, ठीक है, कितना शेष बचेगा, 66 शेष बचेगा। आप इस तरह से भी भाग देके चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप भाग देके चेक कर सकते, अगर इस तरह से भाग देंगे तो लास्ट में कितना शेष बचा आपको, यहाँ से 66 आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। आपको करना है कि आप इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 45 की पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये चेक करें, इसे क्या करें, लोग छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो पावर क्या विषम है, क्या करें आप पावर को क्या कर, 1 या 3 के रूप में आप बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 45 की पावर कितना हो गया, 45 की पावर 1 हो गया, और ये प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 2 कितना हो गया, 47, 45 2 47, किससे भाग देना, 44 से क्या करना, भाग देना, आप यहाँ से क्या करें 44 से भाग दें, अगर आप 44 से भाग देंगे तो 44 से कम 44 हो गया, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 आपका ये शेष बचेगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पावर क्या दिख रहा है आपको, सम दिख रहा है, जिसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या कर ले, 2 या 4 के रूप में आप बना ले, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 27 की पावर कितना कर देना, हम लोग 2 कर दे, और ये माइनस कितना हो गया, 1, ठीक है।
अब यहाँ से सबसे पहले ये देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है, ये आपको पता होगा। अब करना है कि इसमें से क्या करना, एक घटाना है, अगर इसमें से एक घटा लूं तो यहाँ से कितना बच जाएगा 728 बच जाएगा 728। अब करना है कि कितने से भाग देना, मुझे 26 से भाग देना, आप इसमें क्या करिए 26 से भाग, अगर आप इससे इसमें 26 से भाग तो आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये क्या होगा आपका पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचेगा, अर्थात कह सकते हैं कि क्या बचेगा, जीरो शेष बचेगा। ठीक है, जब इससे भाग तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि कितना शेष बचेगा, जीरो शेष बचेगा। पहला ऑप्शन किसका मैच करें, आप इस तरह से भी भाग देके चेक कर सकते हैं, 26 से क्या कर सकते हैं 728 में क्या कर सकते हैं, भाग देके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे इसमें भाग तो भाग कितने बार जाएगा, 28 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 28 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कहने का मतलब कितना बचेगा, जीरो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 47 की पावर 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चित्र यहाँ पे पावर के अभिसम है, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करना, आपको एक या तीन के रूप में आप बना लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया 47 की पावर कितना हो गया, एक हो गया, माइनस कितना हो गया 5 हो गया। अब करने की यहाँ से देखिए 47 से मिलेगा, 47 में अगर 5 घटा दो तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से 42 मिल जाएगा। अब इसमें करना है कितने से भाग देना है, 40 से भाग दे, आप यहाँ से क्या करिए 40 से भाग दे, अगर आप इसमें भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा, 40 से कम 40, कितना शेष बचेगा, दो शेष बचेगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि कितना शेष बचेगा, दो शेष बचेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये चित्र यहाँ पे पावर के अभिसम है, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, आप पावर को एक या तीन आप बना ले, यहाँ से क्या करें, 47 की पावर कितना कर दे रहे, एक कर दे, माइनस कितना है 4। अब करने के अगर इसको यहाँ से घटा दो तो ये कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा 43 मिल जाएगा। 43 में कितने से भाग देना, मुझे 8 से भाग देना, इसी से तो भाग देना, आप यहाँ से क्या करिए भाग दिए, अगर इससे इसमें भाग दे तो भाग कितनी बार, 8 × 40 कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो देखिए कौन सा से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 की पावर 41 4 की पावर 42 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, हमको ये बताना, और चार ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ 4 की पावर 41 यहाँ पे भी, 4 की पावर 41 इसके अंदर भी है, हम लोग करें कि यहाँ से क्या कर ले, 4 की पावर 41 कॉमन ले, यहाँ से क्या बचे आपका, एक बचेगा, और यहाँ से 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगी, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करें, अगर मैं इसको प्रसार करूँ ये कितना हो गया, 16 हो गया, अगर इसको प्रसार करूँ ये कितना हो गया, 64 हो जाएगा, ये 64 लिखने मिलेगा। अब करने के आपको सभी को जोड़ना है, तो ये 16 × 4 = 20 हो गया, और ये कितना हो गया, कितना हो गया 65 हो गया, अगर आप इन सभी को जोड़ ले तो यहाँ से कितना मिलेगा, 85 मिलेगा, कितना मिलेगा 85 आपको मिल गया, तो इनटू कितना हो गया 85 हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन से चेक करना है कि 85 किससे कटेगा, किस ऑप्शन से कटेगा, देखिए 12 से ये कटेगा नहीं, किससे कटेगा 17 से ये कटेगा। ठीक है, हम देखिए जो ये 85 किससे कटेगा, 17 से कटेगा, अगर ये 17 से कटेगा तो हम लोग ये कहेंगे जब आप इसे प्रसार करके जब सभी को जोड़ेंगे वो कोई संख्या मिलेगी, जब आप सभी को प्रसार करके जब आपस में सभी को जोड़ लेंगे तो कोई संख्या बड़ी से मिलेगी नहीं, ये संख्या किससे कटेगी, 17 से कटेगी, आप बता सकते हैं और ये पता करने का ये तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा गया, 100 से क्या पूछा, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 एवं 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इसमें ये कहा गया इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो पता करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, करने के आपको इन दोनों का एलसीएम ले लिए, इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम लेना है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले ले 5 × 7 = 35, इनका एलसीएम कितना गया 35, एलसीएम लेने के बाद करना क्या आपको एलसीएम से इसमें भाग दीजिए, 100 में क्या करना आपको भाग देना, अगर आप भाग दें 35 × 70 तीन बार तो जाएगी नहीं, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी, 35 × 35 हो गया, और 5 इधर गया कितना 50 हो गया, तो 35 × 35 हो गया,
पूछा कि इनकी और इनके बीच में पूछा है, करना कि आप यहां से घटा लीजिए। यहां से क्या करना, घटा लीजिए। नौ यहां से कितना मिल गया, नौ मिल गया। अर्थात आप बता सकते कि इसके और इसके बीच में नौ संख्याएं ऐसी है जो पांच से भी कटेंगे, सात से भी कटेंगे। तो देखिए कौन सा से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर।